आइए इस वीडियो में सीखते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होता है उसे हम इक्वेशन के माध्यम से, एक समीकरण के माध्यम से मैं आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। तो हम लोग को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो पौधे क्या करते हैं, दो चीज आप बोल सकते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को लेकर के अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। वायुमंडल से क्या करते हैं, CO2 लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जल भूमि से क्या लेते हैं, जल को लेकर के अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। आइए इसको इक्वेशन से हम लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि पौधे जो क्या होंगे प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया करेंगे तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और इसके साथ ही वह भूमि से क्या लेते हैं यानी कि H2O लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, जल। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। अब देखिए, अब एक इक्वेशन देखिए, इक्वेशन इस कब ये प्रक्रिया, एक क्रिया आपसे पूछा जाएगी कब पूर्ण होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। यह प्रकाश सूर्य की उपस्थिति में पौधे में उपस्थित पत्तियों में क्या, क्लोरोफिल की उपस्थिति जो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब देखिए इसके उपस्थिति में क्या करेगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्या होगा, यह अपने को क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे यानी कि ऊर्जा बनाएंगे, C6H12O6। यह ग्लूकोज का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, और इसके साथ आपको पता होगा जो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना, जो हम लोग के लिए क्या है, जीवन दय गैस है, वह पौधे से ही प्राप्त होता है, तो उत्पाद के रूप में कौन सा गैस मिलेगा, तो O2 गैस मिलेगा यानी कि ऑक्सीजन गैस मिलेगा। और देखिए क्या यह समीकरण जो बनाया है अभी यह समीकरण पूर्ण हो पाया है, नहीं हो पाया है, क्योंकि हम लोगों ने जब रासायनिक समीकरण पढ़ा था तो उसमें क्या था, वैलेंस इक्वेशन आया था, यानी कि संतुलित करना पड़ता है किसी भी रासायनिक समीकरण को, तो यह हमारा रासायनिक समीकरण में वैलेंस नहीं है यानी कि संतुलित नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे। संतुलित क्या होता है यानी कि जितने, यानी कि राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है, अणुओं की संख्या बराबर कर देते हैं, तो हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का एगो है, 6 है, इधर कार्बन का एगो है, 1 है, तो यहाँ 1 को 6 बनाने के लिए यहाँ मल्टीपल किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो अब कार्बन कितना हो गया, 6। कार्बन कितना हो गया, 6। कार्बन के बाद क्या है, यानी कि हाइड्रोजन है, तो अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ का एगो है, 12, यहाँ हाइड्रोजन का एगो है, 2, तो इस 2 में कितना से मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 से। अब ये हाइड्रोजन के साथ आप देखिए ऑक्सीजन भी है ना, तो इसमें मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, ये भी इसका मल्टीपल हो गया तो कितना हो जाएगा, 6 × 12, तो 6 + 12 कितना हो गया, 18। तो इधर लेफ्ट साइड की तरफ ऑक्सीजन कितना, 18, उधर राइट साइड की तरफ देखिएगा कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ 6 और 2 कितना, 8। अब यहाँ तो नहीं कर सकते हम कुछ, यहाँ करेंगे, तो इसको हमको 18 लाने के लिए क्या करेंगे कि जोड़ने पर दोनों क्या आ जाए, 18, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 और प्लस ये कितना, 6, तो कितना आ जाएगा, 18। ये रहा हमारा क्या, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण।